तो आज सुबह के 9 बजने ही वाले हैं और हमारी गुड मॉर्निंग हो गई स्टार्ट। आज गुड मॉर्निंग होते ही लाइट की जरूरत पड़ रही है क्योंकि बाहर है बहुत ही ज्यादा अंधेरा और मम्मी बोल रहे आज भारे आगाही छे, है ना मम्मी? गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्ण। गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्ण। 4 दिवस ने आगाही छे फूल। हाँ, कोई ने घर नहीं बाहर जाओ मारे ने जावानो नहीं दरिया किनारे। वाड़िया जाया ने बहुत ध्यान राखवानो नजदीक आप 2 घंटे का रास्ता है तो कोई नहीं, पानी भराई गया तो उपाधि थाय। पापा गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्ण। वेरी गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्ण। पापा मम्मी बहुत आपकी चिंता करते है तो आप आज शांति से जाना और शांति से वापस आ जाना। वो तो आप पटना को तो चिंता तो लगेगी, लगेगी ही ना, तो इसीलिए बोल रहे हूँ। मम्मी तो बोल रहे खिचड़ी का डब्बा भी ले जाओ, वैसा कुछ नाड़ा बाड़ा आया ना तो खिचड़ी करके वहाँ पे भाकरी है और दूध लिया है चाय का, वो तो दो, हाँ वो तो दोपहर को आप खा लेंगे अगर रात रुकना पड़ा तो। नहीं, मैं तो एक भाकरी खाता हूँ ना, तो कितना लिया भाकरी? तो शाम तक को हो जाएगा, 5 भाकरी डाली है। अच्छा, तो जैसी बारिश हो उस हिसाब से खाना, बहुत बारिश हो तो एक एक भाकरी खाना। पहले सुविचार बता दीजिए पापा। आज का सुविचार है, 1 मिनट में पूरी जिंदगी नहीं बदलती। हाँ। लेकिन 1 मिनट में सोच समझ कर लिया हुआ फैसला सारी जिंदगी बदल देता है। यस पापा, सही बात है, साची बात ने। तो पछि 100% रुपया बच्चो बच्चो कमेंट करी वो तो है। तो अभी पापा जा रहे आखिरी और गुड़ के डब्बा लेके जा रहे, पापा और नरसी काका, नरसी अंकल, हाँ दोनों जा रहे। अभी शाम को पापा और नरसी अंकल आ जाएंगे और पापा मिट्टी लाने वाले हैं जो कल हम पेड़ पौधे लाए उनके लिए। पौधे बोने के लिए मिट्टी लाऊं, खाद लाऊं, हाँ सब लेके आऊं। ओके पापा, हैप्पी जर्नी। बाय। किसी को पौधा लगाने का अच्छा तरह आता है ना? हाँ, वो हमारे घर आ जाने। ऐसा नहीं, वो मम्मी हम सीख लेंगे ना, हम लोग करता हुए ने सरस रोपता। पापा ने क्यों आवड़े एम एम रीते कोई हो ना तो आपने फावतु ने थोड़ो तो वो हम अरे ये चलाना वाला पप्पा कैसे? हाँ रॉन्ग नंबर। वो गांव में मेरे पापा कैसे सब कुछ करते हैं वहाँ पे, नहीं करते है लेकिन उनका तो काम ही है ना। हाँ, लेकिन पापा आपका दूसरा भी बिजनेस है ऑफिस वाला? मेरे पापा का एक ही बिजनेस है, वो करते रहते हैं और उस जितना करते हैं उतना नॉलेज बढ़ता है। आपने छोड़ दिया है तो थोड़ा कम हो जाता है। नहीं नहीं, कम नहीं होता है, दोगुना होता है। तो मम्मी तमे कोक ने क्या घरे पापा करी दे? हाँ साथ में सीखेंगे। हाँ नहीं, एक बार बिगड़ेगा तो दूसरी बार अच्छा तो होगा ही। वैसे भी हम लोग खेडूत के पुत्र हैं। यस पुत्र है। वैसे चलाला में खेडूत की मैं शादी करके आई ना, तब जयदीप ने बोला था पीछे सब क्या रहा है ना उसमें तुम्हें सब बोना है और हम सब शाग भाजी उगाएंगे, वो सब करेंगे। क्या है जयदीप का मन में वो था कि चलाला जो फड़िया में सब कुछ है ना तो सारिका को भी कुछ आता होगा, लेकिन मुझे कुछ नहीं आता, सिर्फ मेरे मम्मी पापा ही सब कुछ वहाँ पे करते थे। हम जब फल फूल आते थे ना तब खाने में बहुत होशियार थे लेकिन बोने में नहीं थे, कुछ भी हमें नॉलेज नहीं था। वैसे देखने जाते, फोटो खींचने जाते, वो सब कुछ अच्छी तरह से हम कर लेते लेकिन मेहनत हम नहीं करते थे। हाँ वो भी एक कला है, वो भी बहुत सारी मेहनत मांगती है। सिर्फ दिखता अच्छा है लेकिन उसके पीछे बहुत सारी मेहनत रहती है जो हमें नहीं आती, लेकिन हम सीखेंगे करेंगे। और क्या है, पेड़ पौधे लगाते हैं तो हर रोज हमें ध्यान रखना है, लेकिन हमारा थोड़ा इधर उधर हो जाता है, देखते तो देखते हैं नहीं देखते तो जाने देते, ऐसा करते वैसे भी नहीं होता। और यस अभी आपके चहेते ब्लॉगर रास्ते में ही है, वैसे तो रात को 3 बजे से निकल गए लेकिन बहुत सारी बारिश की वजह से थोड़े लेट चल रहे हैं। जयदीप को बच्चों से मिलने की बहुत सारी उतावल है लेकिन कोई नहीं, अभेजू आ जाएगी तब
वो बाप दीकरी का मिलाप हो जाएगा। अभी बारिश का माहौल बहुत ही ज्यादा है, यहाँ पे बारिश चालू भी हो गई है। मम्मी ने बोला आज बहु आगाही भारे भारे छे। देखो हमारे दुबई जी ने माथे पे थैली पहनी हुई है। हमारे हाँ इंडिया में थैली कहीं पे भी यूज हो सकती है। तो अभी बहुत ही ज्यादा प्रमाण में बारिश हो रही है और यहाँ पे मम्मी ने रख दिया है बर्तन पानी को संग्रह करने के लिए, है ना मम्मी? वहाँ पे अच्छा वो थोड़ा संग्रह करेंगे, बाद में बारिश नहीं होगी तब पिलाएंगे। कानो सबसे पहले तेरा गिफ्ट। ओ, आज तो ये तो हुआ था ना? अजी से घर को जो आगर पास जो नहीं ये मंगाया था, लेकिन आप बोल रहे थे ना वो डुप्लीकेट, मतलब वो डुप्लीकेट उसके जगह पे उसने ना बल्ब भेज दिए थे। हाँ, तो उसका रिफंड आ गया। फिर जब मैं आ रहा था ना तो फ्लाइट का टाइम 7 बजे का था, ये 4 बजे मैंने लिया। थैंक यू सो मच। मैंने तो एक्सपेक्ट किया है, मैंने सोचा कहीं नहीं नहीं मिला तो कोई नहीं। हाँ धर्मेश भाई है ना वो जागृति बहन के हस्बैंड, उन्होंने मेरे को स्पेशली लेके गए और बोला है सारिका जी ने बोला है तो लेके जाना पड़ेगा। थैंक यू सो मच। Yeah, so that is your gift. Thank you. बहुत सॉलिड हेडफोन है भाई। तारा हेड कवर लाइव छू, सब कुछ आया है। तो अभी खोल के एजू गई है स्कूल पे, वो बोल के ही गई है कि मैं सरप्राइज है और स्कूल से आने के टाइम मुझे डैडी लेने आया है। अच्छा तो आप? हाँ तो मैं जाऊंगा। अभी तो क्या है कि नींद मेरे को आएगी नहीं अभी, क्योंकि मैं रास्ते में सोते ही आया हूँ पूरा भरपूर मात्रा में। बाप बेटी का मिलाप हो रहा है अभी। जो डैडी मिस करते थे किसी को तारी सरप्राइज। स्मार्ट रोबोट छे तारी साथे वातो करसे। तो जी बज चुके हैं सुबह के 8:15 और यहाँ पे कार्यक्रम हो रहा है एकदम बढ़िया वाला, ब्रेकफास्ट का चकाचक मात्रा में। सारिका जी सवेरे सवेरे एकदम बिजी, मैं एहसास कर रहा हूँ कि सारिका क्या कर रही होगी मेरे बिना। बट एनीवे गर्मा गर्म भाखरी के साथ बताया था ब्लॉग और आज शुरू भी कर दिया। या तो ये क्या है कि अभी ये वीडियो यहीं पे हम लोग थोड़ा एंड करने का सोच रहे हैं, बिकॉज उसका रीजन ये है कि मैं अभी हेजू को लेकर जा रहा हूँ उसका पेरेंट्स मीटिंग में। पेरेंट्स मीटिंग में जाके आके फिर अपना मचाएंगे। ठीक है गाइज, तो आज के लिए इतना, बस ये कहना चाहता हूँ कि भाई हमारा जेट लैग मेरे को हुआ ही नहीं भाई, थोड़ा सा हुआ मतलब इतना ज्यादा भी नहीं हुआ। कल मैंने कंट्रोल करके सिर्फ 2 घंटे ही सोया दिन में, आके 2 या 3 घंटे सोया। फिर आज रात को तकरीबन 10:30-11 बजे तक मैंने मेरी नींद एकदम पूर कंट्रोल की और फिर सोया। रात को 1-2 घंटे उठा था बट वापस हो गया। तो अभी आई थिंक शेड्यूल एक ही दिन में मेरा परफेक्ट हो गया। तो सारिका जी रेगुलर आप ट्रैवल करते हो ना? हाँ हम सालों में एक बार करते हैं तो हम थोड़ा वो हो जाता है, लेकिन कोई नहीं, हमें 15 दिन लगा था। हाँ आपको 1 दिन लगा? या और कल के वीडियो में बहुत सारे कमेंट आए हैं कि आप वजन कीजिएगा, वो अभी नहीं करूंगा मैं, नेक्स्ट वीडियो में आएगा वजन। और जो गिफ्ट हम मैं लाया हूँ घर के लिए सबके लिए वो भी नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे। तो बने रहिए, आप लोगों को थोड़ा ऐसे एंटरटेन करेंगे और मजे करवाएंगे। मेरा वजन कितना बढ़ा है वो आपको दिखाने ही वाला हूँ क्योंकि क्या है कि मेरे को भी एहसास हुआ है। बट एनीवे पार्ट ऑफ लाइफ, अभी हमारे KGF भी जग गए हैं और सब कुछ अभी ब्रेकफास्ट करने की तैयारी में है। तो ब्रेकफास्ट करके हेजू के पेरेंट्स मीटिंग फिनिश करके आने के बाद वीडियो कंटिन्यू करेंगे। तब तक आप ये वीडियो एंजॉय कीजिए और कल मिलेंगे बहुत चाकाजाम। कल नहीं आज रात को ही एक्चुअली मिलेंगे क्योंकि ये तो अभी अपलोड कर रहे हैं, तो रात को मिलेंगे अपना टाइम के साथ। और कमेंट कीजिए कि 2-2 वीडियो में मजा आ रहा है या 1-1 वीडियो में मजा आ रहा है। अगर 2-2 वीडियो में मजा आ रहा है तो 2-2 वीडियो में क्या क्या कीजिए, क्योंकि हमको ऐसा लगता है कि कुछ कुछ लोग सुबेरे वाले हैं, कुछ कुछ लोग नाइट वाले हैं, तो वी आर कन्फ्यूज्ड
बहुत कमेंट भी आ रहा है, देखते हैं अभी। और हाँ, इंस्टाग्राम का थ्रेड क्या होता है अभी नया आया है उसका भी मैं थोड़ा आपको जानकारी दूंगा, तो वो भी आप थोड़ा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। तो नेक्स्ट वीडियो में बहुत सारी अच्छी जानकारी और बहुत सारा अच्छा अच्छा एंटरटेनमेंट होने वाला है, बने रहिए एंड तक देखिएगा नेक्स्ट वीडियो। ये तो देखे लिया, थैंक यू सो मच। हाँ का लाइक करके शेयर कर दो, कमेंट करके सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दो। बाय बाय, थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद, टेक केयर।